अंबरपेट के मुस्लिम अखिलेतों ने हल्का असेंबली अंबरपेट से बीआरएस के मौजूदा रुकन असेंबली के वेंकटेश को दोबारा पार्टी टिकट दिए जाने पर मसरत का इजहार किया। चुनाचे रुकन असेंबली को दोबारा पार्टी का टिकट देने पर अंबरपेट के मुस्लिम कायदीन की जानिब से रुकन असेंबली के वेंकटेश की शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। मुकामी मुस्लिम कायदीन ने आइंदा असेंबली और इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवार के हैसियत से के वेंकटेश के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर अखिलेती कायदीन जफर यूसुफ बाबा रफीक आदिल अहमद अली मोहसिन इस्माइल के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है अंबरपेट ए के प्लाज़ा फंक्शन हॉल की जो मीटिंग है माइनॉरिटी मीटिंग, आज जो है अंबरपेट के जितने भी मुसलमान भाई हैं माइनॉरिटीज़ के, अतीक भाई और आपका नाम जफर भाई और जो भी लीडर्स है पूरे जो है आज गुलपोशी करे एमएलए साहब की। नेक्स्ट दोबारा जो है 5 साल के बाद फिर इख्तदार में आए उन्होंने टिकट लेकर फिर जो है लड़ने के लिए। हम जो है पूरे मिलकर अंबरपेट के जितने भी मेनेडिस भाई है पूरे मिलकर उनको जो है फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो है बहुत बड़ा मसला था अंबरपेट कब्रस्तान का। ये जो है 35-40 साल से मसला जो है चल रहा था, हर पार्टी आई और अपने जो है काम कर लिए चले गई, मगर अंबरपेट के जो भी मुसलमान भाइयों के लिए कोई काम नहीं करा। ये जो है हमारे कालर वेंकटेश साहब ये 5 साल से आए हैं, और जो हमारे केटीआर साहब की जब मीटिंग हुई थी यहाँ पे अली के पे चौरस्ते पे, तो जो मीटिंग में बोले थे कि अंबरपेट में जो है कब्रस्तान की बहुत परेशानी की जो हालत है, और वो परेशानी की हालत में हम जो है हमारी पार्टी आने के बाद यह हम जो है कब्रस्तान यहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे। और उस हिसाब से हमारे कालर वेंकटेश साहब 4 साल हुए पूरी मेहनत करके 3 एकड़ ज़मीन अंबरपेट के कब्रस्तान के लिए जो है सैंक्शन करे। 80% डिवीज़न में 80% गलियों में पूरे कामा है, पूरे कामा है, पूरे अच्छे से है, और पब्लिक भी बहुत खुश है एमएलए साहब के, एमएलए के साहब के कामों को देख कर। इंशाल्लाह हुआ इस बार भी 100% हमारे एमएलए साहब भी जीतेंगे कालर वेंकटेश साहब, शुक्रिया। आज अंबरपेट में ए के प्लाजा फंक्शन हॉल में माइनॉरिटी का प्रोग्राम हुआ था, एमएलए साहब की गुलपोशी करे दोबारा टिकट मिलने की वजह से। आज पूरे माइनॉरिटी के अंबरपेट के ग्रुप की तरफ से और आज पब्लिक भी काफ़ी तादाद से आई थी, और अपने एमएलए साहब जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करे, जैसा कि सबको मालूम हो गया अंबरपेट में ग्रे यार्ड के लिए और वहाँ पे कॉलम जल रहे हैं, वो काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम है वो काम, 2 करोड़ चिल्लर से काम लागत से काम वो चालू हो गया, वो काम चल रहा। और ये सो ऐसे कई काम है ड्रेनेज के लिए, उसके अपने लाइट से हर चीज़ का काम कर, जो बस हर बस्ती में छोटी गली में जहाँ काम नहीं हो रहा वो भी काम जो है सो एमएलए साहब करे, कई दिन से सालों से पेंडिंग में थे वो काम भी पूरे एक अंबरपेट डिवीज़न में पूरे 5 डिवीज़न में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अंबरपेट डिवीज़न की जानिब से माइनॉरिटी की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था ए के प्लाजा फंक्शन हॉल में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे, हर एरिए के बड़े बुजुर्ग और यूथ जवान जमा हुए थे, और एमएलए साहब का तहे दिल से सबने शुक्रिया अदा किया। मैंने ये ग्रेवयार्ड जो अलॉट करे हमारे एमएलए साहब उसकी वजह से, और हमारे पूरे डिवीज़न की तरफ से माइनॉरिटी की तरफ से एमएलए साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, जिसको टिकट फिर और एक बार मिला, और उन्होंने पब्लिक के लीडर है